इतना बड़ा पार्सल दोस्तों, मुझे यहाँ से रोहिणी से लेके जो है राजेंद्र नगर जाना है गाजियाबाद, और रास्ते में कुछ पता नहीं है क्या होगा, और ओवर साइज है पूरा पार्सल ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक हफ्ते हो गए बाइक टैक्सी को बंद हुए, और एक हफ्ते से जो है मैं डर डर के काम कर रहा था। पार्सल जो है वो भरा नहीं ले रहा था, जो बड़े पार्सल आ रहे थे ओवर साइज ओवर वेट में, उसको मैं कैंसिल करा के, और जो बैग में ले जाने वाले पार्सल होते थे मैं सिर्फ उनको ले जा रहा था। तो इन बीच जो है एक हफ़्ते हो गए, एक हफ़्ते मैंने लगातार काम किया है, मैंने किसी भी दिन छुट्टी नहीं किया है, चाहे मैंने 300 का ही काम किया हो, 400 का ही किया हो, चाहे 700 का किया हो, लेकिन मैंने रोज़ाना डेली जो है काम किया है। और डेली जो है मैं लगभग, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ रोहिणी में, और मैं ज़्यादातर जो है दिल्ली में ही चलाता हूँ, दिल्ली में ही चलाता हूँ, मैं दिल्ली से बाहर बहुत कम जाता हूँ, दिल्ली के अंदर ही मैं चलाता हूँ। तो इन एक हफ्तों में जो है दोस्तों मैंने दिल्ली में भी ज़्यादा काम किया है, और दिल्ली से बाहर भी NCR में भी लगभग सारे जगह जो है मैं गया हूँ इन एक हफ्तों में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं फरीदाबाद भी जो है गया था ऑर्डर लेके उबर का, और उधर से भी जो है उबर का ऑर्डर मैं लेके आया, और उससे पिछले वाली वीडियो में गुड़गांव गया था, फिर मैं इधर बहादुरगढ़ के तरफ गया था, और लगभग जो है मैं सभी जगह जो है कवर कर लिया हूँ, नोएडा भी गया था मैं। और आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सबको भी बताऊँगा, मैं ये जो है एक ये पार्सल ले जा रहा हूँ जो कि ओवर साइज में है, पोर्टर का ऑर्डर है, और ये मैं लेके जा रहा हूँ लाजपत नगर राजेंद्र नगर गाजियाबाद। तो ये ऑर्डर जो है दोस्तों वो 356 रुपये का ऑर्डर है, और ये मैं रहता हूँ जहाँ, वहाँ से ज़्यादातर ऑर्डर जो है वो कार मार्केट से ही आता है। और पिछली वीडियो में भी मैं दो तीन वीडियो में मैंने यहाँ से जब ऑर्डर आया था ओवर साइज में या फिर पीछे बांधने वाला कोई सामान, तो मैंने जो है उसको कैंसिल कराया है, और उसके बाद जो भी मुझे छोटा सामान बैग में रखने लायक मिला है वो मैं लेके गया हूँ। लेकिन कैंसिल करवा कर जो है मैंने सोचा कि कब तक कैंसिल करवाऊंगा मैं, और एक ऑर्डर कैंसिल कराने के बाद जो है दूसरा आधा या फिर एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद ही मिलता था। तो आज मैंने जो है सोचा कि मैंने एक हफ्ते में जो देखा है कि बहुत से ऐसे बाइक वाले मैंने रोडों पर चलते हुए देखे हैं जो कि ओवर साइज ले जाते हैं, और ओवर वेट भी रहता है, बल्कि दो दो बॉक्स तक ले जाते हैं। तो मैंने भी सोचा दोस्तों कि डर डर के जो है मैंने एक हफ्ते काम कर लिया, अब मैं थोड़ा सा जो है हिम्मत करके और आज जो है ये ऑर्डर मैं लेके जाऊंगा, और ये ऑर्डर ले जाके देखता हूँ कि क्या मुझे कहीं पर रोकता है पुलिस वाले, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाले, चाहे इन्फोर्समेंट वाले। ये लगभग दोस्तों 31 किलोमीटर का रूट है, और ये जो पार्सल है उसमें सीट कवर जो होते हैं वो है, तो इसको जो है मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, ये था बहुत लंबा लेकिन मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है, तो ये बाइक का सीट जो है उससे बाहर निकला हुआ है, दोनों तरफ बाहर निकला हुआ है, और ये मान लो आप एक तरीके से ओवर साइज हो गया। तो मैं जो है इसको लेके जा रहा हूँ, और रिस्क मैंने लिया है आज, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है रास्ते में क्या होगा। तो ये जो है दोस्तों मैं लेके और निकलूँगा, और रास्ते में जो भी होगा मैं लाइव रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं वहाँ पर इस ऑर्डर को डिलीवर करके, सक्सेसफुल अगर डिलीवर हो जाएगा तो मैं डिलीवर करके जो है आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि रास्ते में कितने जगह पुलिस वाले मिले, और वहाँ पर मुझे क्या दिक्कत आया या फिर नहीं आया, ये जो है मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, जब मैं ये पार्सल को डिलीवर कर दूँगा तब मैं आपको पूरा जो है कहानी बताऊँगा। One eternity later. तो दोस्तों पार्सल जो है सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है मैंने, और अब मैं बताता हूँ कि रास्ते में क्या हुआ। तो दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज तक जो है मुझे कहीं पर भी ट्रैफिक या पुलिस वाले कोई भी नहीं मिला, लेकिन उसको पार करने के बाद जो है मुझे ये क्या कहते हैं गोकलपुरी पार करने के बाद है जो है मुझे चार जगह मिला, लेकिन कहीं पर भी जो है मुझे नहीं रोका। ये तो बात है कि दोस्तों कहीं पर भी अगर आप पुलिस वाले को देखते हो तो डर तो लगता ही है, मुझे भी लगा था, लेकिन मैं जो है वहाँ से हिम्मत करके निकला, और बचकर जो ये नहीं कहूँगा कि मैं बचकर निकला, मैं उनके सामने से निकला हूँ, और उन्होंने भी देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोला। लेकिन दोस्तों इसका मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही हमेशा ओवर साइज ही पार्सल ले जाए, हो सकता है आपको चार जगह ना रोके, पाँच जगह ना रोके, यानी एक दिन ना रोके, दो दिन ना रोके, लेकिन तीसरे दिन जो है आपको रोक सकता है। तो अगर आप ओवर साइज पार्सल ज़्यादा ले जाते हो तो ओवर साइज आपको पार्सल नहीं ले जाना है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है
पार्सल डिलीवरी का काम बिल्कुल कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप जो है छोटा छोटा पार्सल करें, और जो पार्सल बैग में आ जाए वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन जो अगर बैग में नहीं आता है छोटा और बांधना पड़ रहा उसे, तो कोशिश करें कि वो छोटा पार्सल हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा पार्सल ले रहे हो तो कैमरे भी बहुत जगह लगे हुए हैं, तो पीछे से जो है उसके कैमरे का जो फोटो होता है उससे भी आपका चलान हो जाता है, तो कईयों का ऐसे पता नहीं चलता और चलान जो है उनका हो जाता है कैमरा से। तो आप जो है इससे बचें, ज़्यादा बड़ा अगर पार्सल है तो उसे जो है आप लेकर ना जाएं और उसे कैंसिल करवा के गुडविल ज़रूर लें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया जो कि जब से ये न्यूज़ सुने कि चलान हो रहा है तब से जो है वो घर पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, बस आपको ध्यान में कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है कि आपको ओवरसाइज पार्सल नहीं लेना है रूट का, और छोटे ऑर्डर जो होते हैं उसका साइज अगर छोटा हो तो वो भी जो है बेस्ट रहता है, वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा, उस पर जो है ना ही कोई चलान होगा और ना ही जो है आपको कहीं पर रोकेगा। अगर रोकता भी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है पूरा होना चाहिए, आरसी लाइसेंस आप अपने साथ रखिए, तो आपका जो है चेक ही नहीं किया जाएगा कि आप जो है क्या काम करते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है तो वो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का तो चलान करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है आपका कमर्शियल यूज का भी चलान आ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा मत समझो कि वो आपको ही जो है वहाँ पर पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं या फिर बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हो तो वो जो है आपको रोकते ही नहीं है। मान लो आपने अगर रेड लाइट जंप नहीं किया तो नहीं रोकेंगे, आपने कोई रूल नहीं तोड़ा है तो आपको नहीं रोकेंगे, बेवजह जो है पुलिस वाले नहीं रोकते किसी को। अगर आपने गलती किया है तो आपको पहले रोकेगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो पूरा सच्चाई जो है आ जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस में चला रहे हो, फिर जो है आपका कमर्शियली इस्तेमाल जो है उसका चलान काट देते हैं। तो आपको कोई गलती अपने तरफ से नहीं करना है जिससे जो है पुलिस वाले को आप पर शक हो। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।